सॉल्यूशन में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं लॉजिकल क्वेश्चन ऑन राउल्ट्स लॉ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर्स रॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT JEE। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे जो कि राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड थे। आज अपन कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे जो नीट IIT JEE में पहले आ चुके हैं, ठीक है, या आ सकते हैं, जो थोड़ा सा आपके दिमाग को घुमाएंगे भाई, ठीक है। मतलब हर क्वेश्चन यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन से क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है, कि वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। और यही खास बात है केमिस्ट्री अड्डा MP04 की, यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कि हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। आज अपन क्वेश्चंस करेंगे यहां पर। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm of Hg एट 373 केल्विन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, जिसका वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का 750 mm of Hg। हमसे कहा गया है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा और मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, ठीक है। यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या गिवन है हमको, इसकी बात करते हैं। तो यहां पर हमें पी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, कि पी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 750 mm of Hg, ठीक है। और यहां पर हमें एक चीज और गिवन है, यहां पर जो टेम्परेचर लिया गया है वो कितना लिया गया है, 373 केल्विन। 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कितना है, 373 केल्विन, या आप मान सकते हो कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ये जो टेम्परेचर है वो क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का वो कितना होता है, मतलब जो पीनोड होगा वो कितना होगा वाटर का, वो होगा 1 atm, और 1 atm और mm of Hg कितना होता है, 1 atm इक्वल टू 760 mm of Hg। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पीनोड ना देकर आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, और बॉइलिंग पॉइंट से आप पीनोड पहचानना है, ठीक है। तो यहां पर ये लॉजिक लगेगा यहां पर, कि आपको पीनोड ऑफ वाटर नहीं गिवन है, लेकिन आपको टेम्परेचर गिवन है कितना, 373 केल्विन। 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर आता है वो कितना आता है वाटर का, 1 atm, दैट इज 760 mm of Hg, ठीक है। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब ये सॉलिड लिक्विड सिस्टम है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पी नोड माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नोड इक्वल टू XB। पी नोड कितना है, 760, पी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 750, अपॉन पी नोड कितना है, 760 इक्वल टू XB। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आने वाला है भाई, ये आने वाला है हमारे पास 10 upon 760, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 upon 76, ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1 upon 76, ये निकल चुका है। दूसरा हमें मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है, कि वो किस तरह से निकलेगी। यहां पे देखना कि 1 upon 76 जो है वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है भाई, कि स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो यहां से क्या जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू 76 n, ठीक है। तो यहां पर n इक्वल टू क्या जाएगा, 75 n, तो n अपॉन कैपिटल n इक्वल टू कितना जाएगा, 1 upon 75। ये ध्यान रखना है कि 1 upon 75 हमारे पास स्मॉल n अपॉन कैपिटल n आ जाएगा। तो मोलिलिटी फाइंड करना बड़ा आसान हो जाएगा, कि मोलिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट की, मोल्स कितने हैं इसके, 75। वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये ग्राम में आया है तो अपन को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर m कितना आ जाएगा, 1000 अपॉन 18 की वैल्यू कितनी होती है, 55.55 डिवाइडेड बाय
75. जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 0.740, आपकी वैल्यू आनी चाहिए. तो मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.740 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 1/76. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, बड़ा आसान है. यहां पर जो लॉजिक है, जो काम की चीज है वो ये है. ये आपको अगर पता है, पहले से पता होगा, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा इसे सॉल्व करना. अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो इस क्वेश्चन में यहां पर अटक जाओगे. आप तो सोचोगे कि पी नॉट तो गिवन है ही नहीं, ये क्वेश्चन गलत होगा, बोनस होगा. ठीक है, जो जिसे पहले ये क्वेश्चन करा होगा वो बहुत रफ्तार से करके हुए निकल लेगा. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम उनको वैरायटी करनी चाहिए. जब भी अपन फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करें तो अपन को वैरायटी कवर्ड करनी चाहिए, क्योंकि वैरायटी जितनी कवर्ड कर लोगे उतना ज्यादा अपना चांस बढ़ा लोगे नीट या आईआईटी जेईई के सिलेक्शन में. ठीक है, तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. आप जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट. तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट. आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन. नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है. कैलकुलेट द मोलर लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. हमें मोलर लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है वाटर के लिए एट 100 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर भी लॉजिक ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर गिवन है, और 100 डिग्री सेल्सियस है तो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हुआ है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पी नोट कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg. तो पी नोट पता चल गया हमें 760 mm ऑफ Hg. हमें मोलर लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है, P नोट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P नोट इक्वल टू X भी होता है. और लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, P नोट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P नोट इंटू X. अगर आपने ये कैलकुलेट कर रहे हो P नोट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P नोट, ये रिलेटिव लॉवरिंग है वेपर प्रेशर में. अगर आपको लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर अकेला कैलकुलेट करना है तो वो क्या है, P नोट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन, जो किसके बराबर है, P नोट इंटू XP. अपन को P नोट के बारे में तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है. हमें मोलर लॉवरिंग का मतलब है कि हमें ऐसे सॉल्यूशन का लोअर इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो, 1 molar हो. अब 1 molar एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास. ठीक है, 1 molar एक्वस सॉल्यूशन. 1 molar एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ है कि हमारे पास 1 mole सॉल्यूट है. क्या है, 1 mole सॉल्यूट है, किसमें प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वॉटर सॉल्वेंट क्या है, वॉटर. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गए कितने, 1. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो वेट कितना है, 1000 ग्राम अपॉन 18. ये वैल्यू तो रट चुकी है कितनी, 55.55. ठीक है, तो मोल्स भी आ गए. अब मोल फ्रैक्शन निकालना बड़ा आसान. तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी नोट कितना है, 70760. ठीक है, इनटू एक्स भी कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 अपॉन 1 + 55.55. तो से आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 760 × 1/56.55. इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 13.45 mm ऑफ Hg. तो यहां पर जो मोलर लॉवरिंग निकलने वाली है वो कितनी निकलने वाली है, 13.45 mm ऑफ Hg. यहां पर मोलर लॉवरिंग का मतलब है कि सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 1 molar. अब 1 molar से अपन ने XV फाइंड करा और XV को पुट करा तो ये आंसर निकल गया. ठीक है, कुछ बच्चे क्या हो गए, मोलर जैसे ही नाम आएगा मोलर लॉवरिंग तो ये तो सुना ही नहीं है यार, और सुना ही नहीं है तो वो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि वैरायटी करना बहुत जरूरी है, और केमिस्ट्री अड्डा की खास बात यही है कि यहां पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कहीं पर नहीं मिलेगा वो यहां पर मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अगर करना है तो केमिस्ट्री अड्डा आ जाओ. ठीक है, तो यहां पर इतनी सारी चीजें अपन कर सकते हैं. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं. तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट. आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन.
नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं यार अपन और कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप नीट और जेई की जब तैयारी कर रहे हो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। आप जब नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप क्वेश्चंस अच्छे लेवल के करें, ठीक है। आपके क्वेश्चंस आपकी रैंक को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। जितने आप अच्छे क्वेश्चंस कर लोगे उतनी आपकी रैंक बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी वैरायटी हो सके उन वैरायटी को आप कवर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप अपने जो कोचिंग शीट्स हैं उन्हें करें, ठीक है। केमिस्ट्री अड्डा के वीडियोस देखें आप, वहां से आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, जिसको अभी पता नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है मॉल कॉन्सेप्ट के, वहां पर डल चुके हैं, सॉल्यूशन के भी डलने वाले हैं, ठीक है। आप वहां पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें और वहां से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको कई सारी चीज़ें मिल रही है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाया जा रहा है कि आप शॉर्ट नोट किस तरह से बनाया जा सकता है, पूरे एक चैप्टर को एक पेज पर किस तरह से लाया जाए, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा जब आप एट द एंड, जैसे आपका एक महीने बाद आपका एग्जाम है, तो एक महीने पहले आप बहुत जल्दी से रिवीजन करना है, तो वो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी इज 550 mm ऑफ Hg. At the same temperature, if 1 mole of B is further added to this solution, the vapor pressure of solution increases by 10 mm of Hg. Determine the vapor pressure of A and B in their pure state. हमारे पास एक liquid liquid system है जिसमें दो liquid हैं, एक liquid A और एक B, ठीक है। Vapor pressure of solution 550 mm of Hg है, जिसमें A का 1 mole है और B का 3 mole है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में आपने क्या करा है, बी का एक मोल फर्दर ऐड कर दिया है, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो 10 mm ऑफ Hg से बढ़ गया है, तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ए और बी का क्या होगा, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है वहां से अपन चीजों को निकालना शुरू करते हैं। हमें लिक्विड लिक्विड सिस्टम दे के रखा है और लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए जो पी ऑफ द सॉल्यूशन होता है वो किसके बराबर आता है, वो आता है हमारे पास पी नोड ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन अपन यूज करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 550 mm ऑफ Hg है, कब, जब A का हमारे पास 1 मोल है और B का कितना मोल है हमारे पास, 3 मोल है। तो यहां पर P नोड A के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, XA निकालना है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है, ये A का, तो A के कितने मोल है, 1/1 प्लस 3 प्लस P नोट B के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, XB निकालना है, तो B के कितने मोल हैं, 3 प्लस 1/3, तो यहां से निकलेगा 550 इक्वल टू P नोट A इंटू 1/4 प्लस P नोट B इंटू 3/4, तो इस 4 को मैं LCM ले लेता हूं, तो यहां पर आ जाएगा 550 इंटू 4 इक्वल टू P नोट A प्लस 3 P नोट B। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट नाम देता हूं, दूसरी इक्वेशन बनाता हूं। दूसरी इक्वेशन क्या है कि अगर हम बी का एक मोल फर्दर ऐड करते हैं, पहले कितना मोल था बी का, 3, अब एक ऐड कर दिया तो बी के कितने मोल हो गए, 4, एक ही कुछ नहीं करा, ए का 1 मोल ही है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 10 एम एम ऑफ एच जी से बढ़ गया, पहले कितना था 550, 10 एम एम ऑफ एच जी से बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 560, तो 560 हो गया है, कब, जब पी नोट ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ए कितना है 1/1 प्लस 4 प्लस पी नोट बी कितना है, ये 4 मोल है, 1/4, ठीक है। तो यहां से 560 इक्वल टू पी नोट ए इंटू 1/5 प्लस पी नोट बी इंटू 4/5, तो यहां से आएगा 560 इंटू 5 इक्वल टू पी नोट ए प्लस 4 पी नोट बी, इसे इक्वेशन 2 नाम दिया, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देता हूं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करूंगा तो पी नोट ए से पी नोट ए कैंसिल हो जाएगा, 4 पी नोट बी से अगर 3 पी नोट बी माइनस करेंगे तो 1 पी नोट बी बचेगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 600 इक्वल टू पी नोट बी,
पी नोट भी अगर हमारे पास 600 है, तो अगर पी नोट की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो जो पी नोट ए की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है आपके पास 400 mm ऑफ Hg। तो यहां पर पी नोट बी कितना होगा 600 mm ऑफ Hg और पी नोट ए कितना होगा 400 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से लेंथी होते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी लेकिन इजी है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लगाना है, आपको दो इक्वेशन बनानी है, दो अननोन है, बड़ी आसानी से आप इसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा, आपको सैंपल पेपर में देखने को मिल जाएगा, आपको कई सारी बुक्स में देखने को मिल जाएगा, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वॉलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी इज पी इक्वल टू 254-119 एक्सबी एमएम ऑफ एचजी। XB इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड सॉल्यूशन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P नोड A और P नोड B। यहां पर हमारे पास दो वॉलेटाइल कंपोनेंट हैं A और B। उसका जो वेपर प्रेशर है वो एक इक्वेशन के फॉर्म में देके रखा हुआ है। इक्वेशन क्या है? P इक्वल टू 254-119 XB। ठीक है, हमें P नोड A और P नोड B फाइंड करना है, मतलब प्योर स्टेट में A और B का वेपर प्रेशर क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है, क्या है? P इक्वल टू 254-119 XB। ठीक है, इस क्वेश्चंस को करने का दो तरीका होता है भाई। ठीक है, दो तरीका होता है। पहला तरीका जो आप सबको आता होगा या आप सबने सीखा होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट तरीका है वो थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और बहुत रफ्तार में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब वो तरीका क्या होता है, सबसे पहले अपन वो तरीका देखते हैं जो सबको सिखाया जाता है। क्या तरीका है? हमारे पास इक्वेशन क्या होती है वॉलेटाइल कंपोनेंट के सॉल्यूशन निकालने के लिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होती है? पी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, जब मैं ऊपर वाली इक्वेशन देखता हूं तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा ये लगता है कि ये पूरी इक्वेशन एक्स बी के टर्म में लिखी गई, क्योंकि एक्स ए का कोई रोल नहीं आ रहा। तो मैं इस इक्वेशन को भी एक्स बी के टर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। कैसे लिख सकता हूं कि इस एक्स ए को एक्स बी के टर्म में लिख लेता हूं 1-XB। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं एक्स बी के टर्म में लिखना चाहूंगा पी नोट ए, एक्स ए को क्या लिख लिया 1-XB प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे आएगा पी नोड ए माइनस पी नोड ए एक्स बी प्लस पी नोड बी इंटू एक्स बी। तो यहां पर देखो पी नोड ए, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं भाई, एक्स बी को कॉमन ले रहा हूं, एक्स बी को कॉमन लूंगा तो यहां पर क्या जाएगा पी नोड ए माइनस पी नोड बी इंटू एक्स बी। ये हमारा पी ऑफ द सॉल्यूशन है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर पी नोट ए की जगह कितना है 254, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि पी नोट ए कितना होगा 254 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें पी नोट ए माइनस पी नोट बी की जगह कितना है 119, तो यहां पर पी नोट ए माइनस पी नोट बी की जगह कितना है 119। पी नोट ए की वैल्यू अभी निकालिए कितना 254-माइनस पी नोट बी इक्वल टू 119। अगर पी नोट बी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 254-119। तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 135 mm ऑफ Hg। पहला तरीका ये है कि इस इक्वेशन को इसके टर्म में लिख लो और इन दोनों को कंपेयर करते जाओ और चीजें निकालते जाओ। ये तरीका थोड़ा सा लेंथी होता है, सरल होता है। ठीक है, दूसरा तरीका थोड़ा सा क्या है भाई, दिमाग लगाने वाला है। कौन सा दिमाग लगाना है, यहां देखो कि अगर मैं यहां पर xb को जीरो पुट करता हूं तो मेरा जो एक्स ए है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर xb को कितना पुट करता हूं, जीरो पुट करता हूं, तो जो मेरा एक्स ए रहेगा, जो सॉल्यूशन रहेगा वो सिर्फ ए का ही हो जाएगा। ठीक है, ए कितना होगा मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर। अगर xb की वैल्यू जीरो पुट करी तो ये पूरा टर्म कितना हो गया
जीरो हो गया, ठीक है। एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी, वन। तो ये जो पी ऑफ द सॉल्यूशन निकला है वो किसके बराबर होगा, पी नोड ए के बराबर होगा, और वो कितना आएगा, 254 mm ऑफ एच जी। अब दूसरा क्या कर सकते हैं अपन, एक्स ए को अपन जीरो पुट करते हैं, एक्स बी कितना हो जाएगा हमारे लिए, वन हो जाएगा। अगर एक्स ए की कोई वैल्यू नहीं दिख रही यहां पर, ठीक है, मतलब वो जीरो है, तो एक्स बी कितना हो गया, वन। तो ये जो पी ऑफ द सॉल्यूशन है वो किसके बराबर हो गया, हमारे पी नॉट बी के बराबर हो गया। और पी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, दिस माइनस दिस, ये कितना निकलेगा, 135। ये थोड़ा सा दिमाग वाला है भाई, ठीक है। आपने क्या करा, एक्स बी को जीरो पुट कर दिया, तो एक्स ए कितना हो गया, वन, मतलब पूरा जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ ए का है, और ए का जो पी नोट ए आने वाला है वो पी ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर होगा, और पी ऑफ द सॉल्यूशन कितना निकलेगा, 254, क्योंकि ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स बी की वैल्यू कितनी है, जीरो, ठीक है। और दूसरा आपने क्या करा, एक्स ए को जीरो पुट कर दिया, तो एक्स बी कितना हो गया, वन। तो ये जो पी ऑफ द सॉल्यूशन है वो पी नोट बी के बराबर आ गया, और पी नोट बी कितना होगा, 254 - 119, दैट इज 135 mm ऑफ एच जी। ये थोड़ा सा दूसरा तरीका है, ये सेकंड तरीका है। यहां पर आपको कम टाइम में थोड़ा सा निकाल सकते हो, लेकिन दिमाग यहां पर थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। अगर पेन चलाना है ये कर लो, थोड़ा सा पेन के साथ दिमाग चला सकते हो तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। बड़ी आसानी से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, टू लिक्विड ए एंड बी हैव वेपर प्रेशर इन रेशियो P node A is to P node B equal to 1:2 at a certain temperature. The ratio of moles of A and B in liquid mixture is 1:2. What would be the mole fraction of A and B in beaker in equilibrium with solution at the given temperature? हमारे पास दो लिक्विड हैं A and B, उसका उन दोनों का वेपर प्रेशर का रेशियो हमें गिवन है 1:2. एट ए सर्टेन टेम्परेचर उनके मोल्स का रेशियो भी हमें गिवन है 1:2. तो हमसे पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज क्या होगा, ठीक है। वाई ए हमें निकालना है कि वाई ए क्या होगा इस टेम्परेचर पर, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करते हैं कि अपन को वाई ए निकालना है, मतलब अपन को राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ दोनों को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। जितने भी राउल्ट्स लॉ और डाल्टन लॉ के क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि वो दोनों को, दोनों चैप्टर्स को मिला देते हैं यहाँ, ठीक है। तो वहां से अपन ने क्या सीखा था, वहां से अपन ने सीखा था कि जो पी डैश ए होगा, जो पी डैश ए होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा पी नोट ए इंटू एक्स ए, और किसके बराबर होगा, वाई ए इंटू पी टोटल के बराबर, ठीक है। और पी डैश बी किसके बराबर होगा, वो होगा मेरे पास पी नोट बी इंटू एक्स बी और वाई बी इंटू पी टोटल के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, पी डैश ए और पी डैश बी का मैं रेशो ले लेता हूं, तो रेशो लूंगा तो क्या हो जाएगा, पी डैश ए इज टू पी डैश बी, ये किसके बराबर होगा, वो होगा पी नोट ए अपॉन एक्स ए अपॉन पी नोट बी एक्स बी इक्वल टू वाई ए पी टोटल अपॉन वाई बी इंटू पी टोटल। तो यहां से आप बात कर रहे हो तो इनका पी टोटल से पी टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो पी नोट ए अपॉन पी टू पी नोट बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1:2 का रेशियो है, और जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही मोल्स का रेशियो होता है, तो यहां पर 1:2 का रेशियो होगा यहां पर, और वाई ए अपॉन वाई बी ये पता है। अब मैं वाई बी को वाई ए के टर्म में किस तरह से लिख सकता हूं कि 1/4 इक्वल टू वाई ए, और वाई बी को मैंने क्या लिख लिया, 1 - yA, ठीक है। तो यहां से क्या जाएगा, 1 - yA इक्वल टू 4yA, ठीक है। तो 1 = 5yA और वाई ए कितना हो जाएगा, 1/5, दैट इज 0.2। तो वाई बी कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 - 0.2, दैट इज 0.8। तो यहां से y कितना आ जाएगा, 0.2। तो अपन ने क्या करा, इन दोनों का रेशो ले लिया भाई, ठीक है। रेशो गिवन था तो 1:2 का ये रेशो है, और जो मोल्स का रेशो होता है वही मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है, तो ये भी 1:2 का, और वाई बी को वाई के टर्म में लिख लिया और बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। बहुत आसान होता है, फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करना बड़ा आसान होता है, बस आपको एक बार पता चल जाए कि इतनी वेराइटी है,
ठीक है, इतनी वैरायटी से ही क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ज्यादा वैरायटी कवर करना बहुत जरूरी है नीट और जेई के लिए। ठीक है, इसे अपन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और यहां पर आकर आज अपन ने लॉजिकल क्वेश्चन ऑन राउट्स लो ये वाला टॉपिक अपन ने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, उन सब की बात अपन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहां पर जितनी वैरायटी बन सकती थी राउट्स लॉ पर अपन ने प्रीवियस वाले वीडियो में भी क्वेश्चंस करे थे, और आज वाले वीडियो में भी अपन ने क्वेश्चंस करे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं, ये ध्यान रखें। आपको अगर अपना सिलेक्शन कंफर्म करना है तो क्वेश्चन भर भर के करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे उतने ज्यादा चांस आपके होंगे कि आप सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको बताना क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।